बजट है 96,000 करोड़। अब आप हिसाब लगाओ, 20,000 करोड़ का धान खरीदी, 4,000 करोड़ का चावल, 900 करोड़ बिजली बिल हाफ, 603 करोड़ तेंदुपत्ता का पारिश्रमिक और 20,000 करोड़ का धान खरीदी। आधा बजट किसानों के आर्थिक उन्नति में, आम जनों के हित में। इसके पहले की सरकार ने क्या किया? 2011 की जनगणना में कुल 56 लाख परिवार छत्तीसगढ़ में थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने राशन कार्ड बनाया 72 लाख, जिसका केस आज भी हाईकोर्ट में चल रहा है। 56 लाख परिवार में 72 लाख राशन कार्ड, कांग्रेस के विरोध के कारण बाद में इनका सुधार किया गया। वो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक पहली तस्वीर मध्य प्रदेश भोपाल के मिंटो हॉल से है और दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ रायपुर के कांग्रेस भवन से है। ये लाइव तस्वीरें दोनों हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों ही तरफ कांग्रेस का एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है और मौका है सरकार का एक साल पूरा होने को लेकर। जी हाँ, आज ही का वो दिन है दोनों ही सरकारों के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो या छत्तीसगढ़ सरकार हो, दोनों ही सरकारों के लिए आज वही दिन है जहां आज ही के दिन एक साल पूरा हो चुका है दोनों ही सरकारों को और एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ में उतना बड़ा कार्यक्रम नहीं है क्योंकि आचार संहिता का मौका भी वहां पर चल रहा है, नगरीय निकाय चुनाव वहां पर चल रहे हैं, लिहाजा एक सार्वजनिक मंच ना चुनते हुए कांग्रेस भवन में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जैसे कि मिंटो हॉल की एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। खास बात हम आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से कुछ देर बाद जब मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मंच से संबोधित करेंगे तो इस बात का भी जिक्र करते वो नजर आएंगे कि आगामी वक्त में मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से चलने वाला है, एक तरीके की गाइडलाइन, ऐसा एक छोटा सा हिंट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ कर चुके हैं कि एक पूरा लेखा जोखा, एक पूरा खाका तैयार मनमोहन सिंह से करवाया गया है और उसी को गाइडलाइन मानते हुए मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सिस्टम चलाया जाएगा। और जाहिर तौर पर ऐसी सलाह उनसे इसलिए भी ली जा रही है क्योंकि एक इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट भी मनमोहन सिंह रह चुके हैं और कुछ ही देर में वो संबोधित भी करेंगे। की तरफ से कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसने वायदा किया है कि हम 2500 रुपए के हिसाब से भुगतान करेंगे, उसका रास्ता निकाला जा रहा है। 1815 जो 47 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से, अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समितियों में आदेश गया है कि 1815 समर्थन मूल्य है, तो सच है 1815 ही समर्थन मूल्य है इसलिए आदेश गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के भीतर विधानसभा के बाहर अनेक बार कहा है कि भले ही 1815 समर्थन मूल्य में हम खरीदेंगे लेकिन किसानों को भुगतान 2500 के हिसाब से किया जाएगा। और जब 2500 के हिसाब से भुगतान किया जाएगा तो जो वायदा किया गया वो वायदा पूरा हर हाल में होगा। साथ में संघर्ष किए बहुत से हमारे कांग्रेस के साथी यहां बैठे हैं, 15 साल तक कांग्रेस का मुख्यमंत्री देखे नहीं थे। अब क्या होता है, कई बार जब हम लोग बात करने आप लोग भी जाते हैं तो भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। याद तक तो ठीक है, कई बार मुख्यमंत्री जी खुद जब आप लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस जनों से, जनता से, तो खुद भी भूल जाते हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि जो अंदाज है मिलने का आज भी बहुत सामान्य है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, आने वाला 4 साल भी बहुत अच्छा रहे, आम जन के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी काम करेंगे, हम सब उनका साथ देंगे। और आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपके सबके प्रति आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। को 40 लाख हेक्टेयर से बाहर 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा, साथ ही सूक्ष्म सिंचाई 5.27 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 10 लाख हेक्टेयर की जाएगी।
प्राथमिक शिक्षा में 100% नामांकन और 0% ड्रॉप आउट सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्राथमिकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के हर घर में 24x7 बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड से जुड़ी क्षमता को 4,000 से बढ़ाकर 13,000 मेगावाट किया जाएगा। राइट टू वाटर एंड राइट टू हेल्थ के अंतर्गत हर घर में शुद्ध पेयजल प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के हर गांव को साफ बिजली और ब्रॉडबैंड इंटरनेट से युक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश को पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र में 5,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। दूरबीन रोशन गवर्नमेंट के माध्यम से ई गवर्नमेंट से माननीय मंत्री भाई मोहम्मद अकबर साहब, आदरणीय नरेंद्र साहू जी, आदरणीय हमारे साथी भाई शैलेश जितिन जी, आदरणीय गिरीश देवाना जी, रामगोपाल जी, हमारी बहन छाया वर्मा जी और आदरणीय श्रीमती फूलो नेताम जी, आदरणीय माननीय विधायक श्रीमती अनिता शर्मा जी और किरणमयी नायक जी और सभी आदरणीय मंच में बैठे कांग्रेस के नेतागण और हमारे सामने जावाज कांग्रेस पार्टी के बहादुर साथियों और जन सूचना केंद्र के सशक्त माध्यम पत्रकार बंधुओं और सभी आदरणीय मित्रों, आदरणीय साथियों, हमारी सरकार को भूपेश बघेल जी की सरकार को 1 साल पूरा करने का आज शुभ दिन है। 1 वर्ष हमने पूरा किया है। किसानों की बात को हम लोगों ने वादा किया था उसको पूरा किया। यहाँ पर बिजली के बिल को आधा किया और सबसे बड़ी बात तो छोटे छोटे भूखंड शहरों में जो भूखंड पर भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगा रखी थी उस भूखंडों को बिक्री पर रजिस्ट्री करने के लिए छूट दी और कलेक्टर की गाइडलाइन पर 30% कमी करके लोगों को भूमि खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा दी है। 1 साल में जो भूपेश बघेल जी की सरकार की सौगात है उसे जनता बड़ी प्रफुल्लित है, जनता संतुष्ट है और आगे 4 साल में और बहुत ज्यादा काम करके हम सब दिखाएंगे। जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं की मेहनत हम सबके लिए रंग लाएगी और आने वाले समय में और बेहतर परिणाम हम प्रदर्शित करेंगे। नगर निगम के चुनावों में हमारे 70 वार्ड से सभी साथी खड़े हैं और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबका बहुमूल्य वोट आपके माध्यम से आपके रिश्तेदारों का, आपके जान पहचान पहचान के लोगों का सबका वोट हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को मिले, ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। 1 साल में जो सर्वाधिक काम किए हैं नगर विकास के लिए जो भूपेश बघेल जी ने पहल की है, हर तरह से हमारी सरकार की सफलता आम जनता स्वीकार कर रही है। मैं सभी प्रदेश की जनता को और मंत्रिमंडल के सभी साथियों को भूपेश बघेल जी को 1 वर्ष पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और शेष 4 सालों में और बेहतर परिणाम हम जनता को देंगे इस बात का संकल्प हम सबका है। मेरी सब करता हूँ लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में दिया एक ऐसा साल जहां नई सोच की आवश्यकता, नए दृष्टिकोण की आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता तो मैं समझता ये था कि एक नई सोच से, नए दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को किस पटरी पर ले जाए। 15 साल बाद एक नई सरकार बनी, चुनौती भरा साल था। हमने वचन दिया था अपना वचन पत्र में, केवल जनता के प्रति हमारे किए गए वायदों का ही नहीं पर हम मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयां तक कैसे ले जाए। अगर ये करना चाहते हैं, अगर इसको संभव करना चाहते हैं तो इसके लिए पैसों की आवश्यकता। हमें सिर्फ खाली तिजोरी ही नहीं मिली, ये तो स्पष्ट था कि हमें खाली तिजोरी मिली। खाली तिजोरी ही केवल नहीं मिली पर बहुत सारे ऐसी पिछली सरकार की घोषणाएं जिसका कोई बजट प्रावधान नहीं था, जिसका बोझ हमें उठाना था। यह आश्चर्य की बात है, ताज्जुब की बात है कि एक जिम्मेदार सरकार घोषणाएं कर देती है,
योजनाएं लागू हो जाती हैं, पर बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं। आगे आने वाला समय देखेगा, तय करेगा कि कैसे इसकी राशि उपलब्ध करी जाएगी। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं, मक्के की घोषणा हुई कि मक्का का बोनस दिया जाएगा, इसमें कोई बजट प्रावधान नहीं। घोषणाएं हो गई, सबको खुश कर दिया और कोई बजट में इसका प्रावधान नहीं। बिजली बिल की घोषणा, बिजली बिल की घोषणा जिसका 1000 करोड़ रुपए का बोझ था सरकार का, केवल 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान। ये मेरी राय नहीं, ये तो आप नहीं बताते, ये तो हमारा रिकॉर्ड बताता है। हमारे किसान भाइयों को पिछली सरकार ने झूठी घोषणाओं कर खूब छलावा दिया। फसल बीमा की जो राशि बकाया थी, लगभग 1700 करोड़ रुपए का बोझ और बजट प्रावधान कितना, ये सब बोझ हम पर थोप दिया गया। और इस प्रकार की बहुत सारे उदाहरण, हजारों करोड़ रुपए के उदाहरण है, ये तो सब मेरे पास है, पर किस प्रकार